हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, समाकलन का पार्ट 4 पढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। जिन फार्मूलों का हम यूज करेंगे अभी क्या बोलते हैं, सवाल को सॉल्व करने। हमने सवाल आप लिखा है इंटीग्रल 5/sin²x·cos²x। ठीक है, चलें आइए। तो दोस्त, ये हमें याद रखना है कि आज हम जो टॉपिक आपको कराएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आधारित हो, नहीं त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उन पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने एलजेब्रिक वाला करवाया था। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये सवाल हमारा है, क्या हो जाएगा, वो आपको 5 दो कांस्टेंट नंबर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल यहाँ पर 1 बचेगा अपान sin²x·cos²x dx। बोलो कितना होगा। अच्छा, अब हम जानते क्या है, देखो यहाँ आप लिख रहे हैं फार्मूला, आप जानते होंगे आज तक sin²x+cos²x=1 होता है ना। तो हमें cos²x अगर प्राप्त करना तो आप कहते हो 1 − sin²x, या sin² प्राप्त करना होता है तो आप क्या कहते हो 1 − cos²x। ऐसे एक फार्मूला होता है आपका क्या, 1 tan²x = sec²x। ये सब हाई स्कूल में आप पढ़े थे। ऐसे ही होता है 1 cot²x = cosec²x। ठीक, तो हम यहाँ पे एक के स्थान, हम देख रहे हैं यहाँ पे sin²x·cos²x है, तो अब बताओ एक स्थान पे क्या लिख लेंगे क्या, sin²x+cos²x/sin²x·cos²x dx होगा। अच्छा, अब बताओ ये टर्म में अलग अलग है, हमने एक अपरूप बताया था, याद करिए a+b+c·D=a·d+b·c·D। ठीक, कैसे इसको तोड़ोगे क्या हो जाएगा आपका, 5 बाहर रहेगा ही, ब्रैकेट में काम करते हैं, इंटीग्रल sin²x·cos²x·dx लिख दे रहे हैं, अगला शार्ट कर दे रहे हैं, फिर प्लस ऐसे ही इंटीग्रल लिखा जाएगा cos²x·sin²x·cos²x·dx। ये बात समझना चाहिए। अब देखो, जो sin²x है sin² से कट जाएगा, cos²x है cos² से कट जाएगा, तो इसको हल करोगे तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट में इंटीग्रल, ये देखो 1/cos²x है ना, वो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, sec²x हो जाएगा। ठीक, ये बात तो आप जानते होंगे ना, क्या जानते हैं, देखिए बता दे रहे हैं अभी, जैसे cos x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sec x होता है, ऐसे में कहूँ cos²x का व्युत्क्रम का क्या होगा, तो होगा सर 1/sec²x होगा। ऐसे कहूँ मैं cos³x का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब इनवर्स क्या होगा, 1/ का होगा sec²³x होगा। यानी यहाँ पे अगर हम n लिख दें cos n, तो आप कहोगे यहाँ पे sec n हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos²x·sec²x=1 होता है। ऐसे sin x·cot x·tan x का व्युत्क्रम क्या होता है cot x होता है। तो sin x·cot x=1 होता है। तो बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ें मिटा देते हैं क्योंकि सवाल आपको दिक्कत करेगा। तो बताओ ये ऊपर जाएगा तो जाएगा क्या होगा, sec²x·dx, फिर प्लस साइन में प्लस लगा दिया। अब वो कास कास से कट गया, यहाँ क्या है 1/sin²x बचा है, तो sin² ऊपर जाएगा तो आ जाएगा cosec²x·dx होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ 5 हो जाएगा ब्रैकेट में, देखो sec²x·dx, अब फार्मूला चलते हैं, देखो ये फार्मूला है इंटीग्रल sec²x·dx क्या है, tan x है, आप यहाँ पे tan x लिख लीजिए, प्लस साइन प्लस, फिर प्लस है cosec²x, आओ cosec²x देखो यहाँ पे क्या होता है, वो −cot x, यानी माइनस का जाएगा cot x और प्लस c जोड़ दो। ठीक, अब देखो
प्लस और माइनस गुणा का आ जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह आपको कोई दिक्कत बताइएगा नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे आप इसमें सारे डाल लीजिए मिटाएगा। मान लीजिए तो दूसरा आपका सवाल जो है कुछ इस तरह रहेगा, क्या है, cos 2x इंटीग्रल cos 2x अब r, क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी, ठीक ये बात समझ आ रही। अच्छा अब अगर हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा सवाल दिया हुआ है तो हमें याद रहना चाहिए क्या कि कास 2x बराबर क्या क्या होता है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि मिटाएंगे। कास 2x बराबर वो फार्मूला होता है क्या, एक होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक एक होता क्या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक होता टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक होता वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये जानते हो ठीक। ऐसे ही आप जानते होंगे साइन टू एक्स का भी फार्मूला होता है, क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कास एक्स, ठीक, या टू टेन एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है ठीक। अब यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कास टू एक्स से कई फार्मूले हैं, चार फार्मूले बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है ठीक है, तो हम एक ही लेकिन यहाँ यूज क्या करेंगे कास टू एक्स बराबर लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ यूज करेंगे ठीक है, ये आप देख लिया होंगे मिटा देते हैं ठीक। अब देखो यहाँ से स्क्वायर बराबर कर लेते हैं, इंटीग्रल होगा कास टू एक्स बराबर क्या होगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी होगा ना। अच्छा अब हमने ए प्लस बी प्लस डी वाला लोग जानते हैं, अलग अलग कर देते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रल कास स्क्वायर एक्स बढ़ते इतना, तो कास स्क्वायर से कास कर देगा क्या हो जाएगा एक बट्टे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, इसको हल करोगे क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ठीक, माइनस साइन था माइनस लिख दिया फिर इंटीग्रल का साइन लगा दिया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बट्टे पूरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो एक बट्टे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, उसको ऊपर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ठीक। अब आइए अब इसको ध्यान से यहाँ फार्मूले में देखिए, देखिए इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आया आपका यहाँ पे माइनस कॉट एक्स, आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, फिर माइनस साइन में माइनस लगाए सेक स्क्वायर एक्स का क्या है देखो आपका टेन एक्स, यहाँ पर जाएगा माइनस टेन एक्स ठीक, ये आपको हल करोगे तो ऐसे जाएगा प्लस सी जो करोगे आप चाहो तो माइनस का होना लो ब्रैकेट में हो जाएगा क्या टेन एक्स प्लस कॉट एक्स ओके और प्लस सी, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा ठीक। शायद हम जा रहे हैं आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी है, सारी चीज़ें बता रहे हैं ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, ऐसे ही क्वेश्चन हम लेते हैं बाबू। क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है आपका है इंटीग्रल इंटीग्रल रूट में वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, इसको हल करना है ठीक है, इसको हल करना है, समझ में आ रहा है बाबू बोलिए। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप जानते हो अभी मैंने लिखा था साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से अभी मैंने बताया है कि रूट में अब क्या लिखा जाए एक का स्थान पर क्या लिखा जा सकता है देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखो है ना, तो हमने लिख लिया क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन था प्लस एक के स्थान पर मैंने लिखा ये साइन से यहाँ से आता ये एक होता है एक के स्थान, फिर धन लगाया
प्लस साइन टू एक्स। तो अभी मैंने फार्मूला बोला था कि साइन टू एक्स बराबर था टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो आप ध्यान से अगर देखो तो क्या बन रहा है, इंटीग्रल रूट में ये बन रहा है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। क्या बाबू? होल स्क्वायर। देखो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब बताओ कैडी यहाँ पे टू है, यहाँ पे कैडी है, कहाँ जाएगी कैडी? क्या बचेगा? इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बचेगा। अब इसे अलग अलग करोगे तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। तो बताओ साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है? देखो दर्ज है माइनस कॉस एक्स, आप यहाँ पर क्या करिए माइनस कॉस एक्स लीजिए, फिर प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या है? देखो साइन एक्स, आप साइन एक्स लिख लो और प्लस सी कर लो। आप इसे थोड़ा क्रम से करना चाहते हो तो साइन एक्स को पहले लिख लो, माइनस हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी। बात समझ में? इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्त? इसे लगा लीजिए, मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट में वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक, वन माइनस कॉस टू एक्स, ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, जब भी बहु कॉस टू एक्स आए ना तो आपके मन में क्वेश्चन चलना चाहिए कि जो कॉस टू एक्स बराबर होता क्या क्या है। आप जानते हो चार फार्मूले होते हैं, अभी बताया था फिर बता दे रहे हैं। कॉस टू एक्स बराबर होता है क्या? एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चलो लिख दे रहे हैं ताकि याद हो जाएगा आपको, फिर ये होता है। फिर दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता है क्या टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर होता है क्या वो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये बातें आ रही समझ में? ये बातें समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सा ऐसा फार्मूला रखें कि एक कट जाए, कौन सा ऐसा फार्मूला रखें कि एक कट जाए। देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे वन है फिर माइनस, तो अगर बाबू ये वाला फार्मूला रखा जाए तो एक कटेगा, तो लिखेंगे ब्रैकेट में वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स लिख लीजिए। ओके, इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल का साइन भी तो लगाओगे, ठीक। अब देखो ध्यान से इसे हल करेंगे, इंटीग्रल का साइन, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे बताओ क्या हो जाएगा? ये माइनस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, एक एक से कट जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएगा, बचेगा आपका टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आया? चलिए इसको मिटा सकते हैं बाबू। अब देखो दोस्त, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूट लगेगा ये वाला, देखो अंडर रूट ए बी वाला जो मैंने आपको कर्णी में कल समझाया था, क्या हो जाएगा? रूट ए इंटू रूट बी। अब बताओ यहाँ पे अंडर रूट बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ इसका क्या आता है? अब हो जाएगा रूट में टू साइन, इंटीग्रल साइन एक्स का क्या आता है? माइनस का से, यानी माइनस यहाँ लगा लो कॉस एक्स और प्लस सी। बात समझ में आ गई? बोलो ये बात समझ में आई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें मिटा दें इसको। तो आपको शायद समझ में अच्छी तरह आ रहा हो, क्योंकि सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं तो जिससे आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है वन माइनस टेन एक्स अपान वन माइनस टेन एक्स अपान वन प्लस टेन एक्स, ठीक, इंटीग्रल ये डी एक्स।
इस सवाल को लगाने से पहले थोड़ा हम यहाँ बात करते हैं और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो दोस्त, हमने बताया था जो समाकलन होता है, ठीक, इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, अवकलन का। अब देखिए इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का माइनस कास एक्स का, तो मैंने देखो कास एक्स का जब किया अवकलन किया क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, हो गया। ऐसे इंटीग्रल कॉस एक्स का जो आपका होता है साइन एक्स होता है, लेकिन आप साइन एक्स का अगर क्या बोलते हैं कि अवकलन कर दोगे तो कास एक्स मिल जाता है। ऐसे टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का देखो इंटीग्रल आपका होता है टैन एक्स, लेकिन टैन एक्स का अगर अवकलन कर दें तो देखो आपका सेक स्क्वायर मिल जाता है। तो ये बातें आप देख रहे हैं, ठीक। तो आप सोच रहे हो इसको क्यों लिखे हो, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे जिसे आप प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रल बाय सब्सटीट्यूशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें दोनों चीज़ तैयार होनी चाहिए, कौन कौन, इंटीग्रल भी याद होना चाहिए और डिफरेंशिएशन भी याद होनी चाहिए, तभी हमारी आगे की पढ़ाई क्या होगी, अच्छी तरह से चलेगी। इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन को लगाने में आपको आसानी हो। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका हमें अभी काम नहीं पड़ रहा है, ठीक, ये जगह खाली रहेगी तो कोई दूसरी चीज़ बताता रहूँगा। चलिए ये मिटा दिया, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ हमें एक चीज़ सीखना है, क्या हमें एक फार्मूला पता होगा, टैन ए माइनस बी क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी अपान वन प्लस टैन इंटू टैन बी, होता है, होता है। आइए अगर आप इसको देखो, और एक चीज़ और जानते होंगे आप लोग, टैन 45 डिग्री, या इसी को बोल सकते हो टैन पाई बाई फोर, इसका मान एक होता है। आप बताओ क्या यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो एक का स्थान भी बताओ क्या लिख सकते हैं, टैन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, और माइनस हो जाएगा क्या होगा, टैन एक्स अपान, यहाँ पे ऊपर नहीं रहने देते हैं प्लस, अब लिखते हैं क्या यहाँ बताओ, एक का गुणा भी हम समझ सकते हैं, तो एक के स्थान पर हो जाएगा टैन पाई बाई फोर इंटू आपका क्या था वहाँ पर टैन एक्स, समझ में आया कैसे आया, क्योंकि आपका एक का गुणा करो तब भी तो ये आएगा, इस फार्मूले के अनुसार हमने सोचा है। देखो टैन ए माइनस बी बराबर टैन ए माइनस टैन बी अपान वन प्लस टैन इंटू टैन। अब हमें दिख रहा है कि ये चीज़ें जो है, ये फार्मूला जो है वो ऐसा ही बन गया, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल टैन ए माइनस बी, ये क्या पाई बाई फोर, माइनस बी क्या है आपका होगा सर एक्स, ये आपको ऐसे हो जाएगा डी एक्स, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स है, तो आप यहाँ फार्मूला देखो टैन टैन एक्स क्या होता है, वो आपका माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। अब देखो एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे क्या टैन में यहाँ पे कुछ और भी है, इसका मतलब क्या है प्रतिस्थापन वाला, यहाँ पे मानेंगे लेट कर लिया देखो क्या पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर डी। अब इसका अगर अवकलन किया जाएगा तो पाई बाई फोर का जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स बराबर डी टी, यानी डी एक्स बराबर आपको आ गया क्या माइनस है, इसी चीज़ को हम यहाँ से लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रल, अब देखो टैन सारी चीज़ें सब्सिट्यूट होंगी, अब हो जाएगा यहाँ पे टैन टी, और जो डी एक्स था उसके स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक। अब देखो यहाँ से, अब इसका हमारा फार्मूला क्या है, माइनस लॉग कॉस एक्स है, और एक आपका ये भी फार्मूला है, तो अब माइनस यहाँ पे था ही, ठीक, ए वाला माइनस, और इसका आपका माइनस क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस टी, क्या कॉस टी, ये वाला फार्मूला रखा, ठीक, नीचे वाला नहीं रहता ऊपर वाला रखा, प्लस हो जाएगा सी, अब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस टी का मान क्या था बाबू, ये था देखो पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस सी, यही आपको क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सवाल, ये सब सवाल बहुत परीक्षाओं में आते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम क्या बोलते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चलिए मिटाएं इसको। आइए
फार्मूले भी हम लिख रहे हैं, आप इसे लिख लिया करिए क्योंकि आपको याद नहीं होगा, है ना, इसीलिए आपको परेशानी होती है सवाल लगाने में। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल ऐसा है, इंटीग्रल sec x प्लस टेन एक्स अपान अपान क्या है बाबू, sec x माइनस टेन एक्स dx। अब ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, इसको कैसे लगाया जाए, इसका क्या करते हैं वो परिमेयीकरण कहते हैं, क्या करते हैं परिमेयीकरण कहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, इंटीग्रल sec x प्लस टेन एक्स अपान sec x प्लस माइनस माइनस टेन एक्स, यही तो था। परिमेयीकरण कैसे किया जाता है इस चीज़ को सुनिए, यहाँ माइनस है ना, था बिल्कुल क्या कर रहे हैं sec x प्लस टेन एक्स का गुणा करेंगे आंसर में, दोनों में यहाँ भी कर दे रहे हैं, बताओ कोई फर्क पड़ेगा बोलो। अरे भाई ये कट जाएगा तो वही आएगा ना, देखो यहाँ माइनस था इसलिए प्लस कर दिया, अगर बाबू यहाँ प्लस होता तो यहाँ sec x माइनस टेन एक्स बट्टे लिखते क्या sec x माइनस टेन एक्स, बात समझ में, परिमेयीकरण कैसे किया जाता है डी एक्स, ये बात समझ में आई, बोलिएगा आगे। चलिए अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो आएगा क्या, आप कहोगे सर आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बट्टे, अब यहाँ पे आ जाएगा वर्गांतर का फार्मूला, कौन सा वर्गांतर फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बाबू ए प्लस बी इंटू अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, देखो ए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स, बोलो ये समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, आप दोस्त जानते हो ये भी मैंने बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स, अगर हम एक को रोक लें तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब समझ में आ गया सर कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, यानी इसके स्थान पर एक रखना है, अब यही हो जाएगा क्या sec, अच्छा इसलिए क्या है ये a है ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको विस्तार कर दिया जाए क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी, यानी sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, और इसके स्थान पे एक हो ही गया, यहाँ बताई दिया, बोलो ये समझ में आ रहा है, बताना दोस्त ये समझ में आया हुँ? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इंटीग्रल इसको लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को रोक लें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसके स्थान पर इसके स्थान पर देखो ये टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स ठीक डी एक्स, बात समझ में आ रही है यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी, ऊपर से मिटा सकते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ मिटा दिया जाए। अब देखिए आई बराबर इंटीग्रल, अच्छा ये बताओ क्या हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टू sec स्क्वायर एक्स, माइनस वन था माइनस वन प्लस टू sec एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ठीक। अब देखो ध्यान, अब इसे हम लिख सकते हैं क्या टू इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल वन डी एक्स माइनस ना प्लस, ये प्लस था टू बाहर हो जाएगा इंटीग्रल sec एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ठीक, अच्छा इसको हम मिटा देगा बोल ना क्योंकि जानते हैं भी आप कन्फ्यूजन हो जाओगे,
इसको भी मिटा देते हैं सारे। अब बताओ ये सारी चीज़ें मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? कहोगे नहीं सर। चलिए अब देखो यहाँ से, अब फिर अगर करें बात टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, देखो क्या है टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स माइनस वन का क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया पार्ट वन में, एक्स होता है प्लस टू। देखो इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है बाबू, सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई हो तो बोलो, बोलो बाबू समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये आया हुआ है 2008 में सवाल आया है, ठीक। क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, ये सवाल है, बोलो ये तो सवाल है। चलो अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, यहाँ मानेंगे क्या करेंगे, मानेंगे मान लिया क्या एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या हो टी, तो तब एक्स बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर टी प्लस अल्फा आ जाएगा, तो जो माना जाता है ना बाबू उसका अवकलन करते हो, तो यहाँ पे डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी और अल्फा का हो जाएगा जीरो, यानी डी एक्स बराबर अब डी टी आ गया। और एक्स एक्स में क्या रखना देखो टी प्लस अल्फा लिखना, आओ यहाँ पर इंटीग्रल एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा यानी साइन टी प्लस अल्फा अपान साइन टी, इसके स्थान में टी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी टी। ओके अब हम जानते क्या हैं यहाँ से, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये तो होता है ना। अच्छा हमें पहले विस्तार करते हैं, इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन टी इंटू कास अल्फा प्लस कास बी यानी कास अल्फा कास ए ना कास ए कास टी, कास टी इंटू साइन अल्फा और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू साइन टी, फिर क्या हो जाएगा डी टी। समझ में ये फार्मूला मिटा सकते हैं इसी फार्मूला से, ए प्लस बी वाले से हमने विस्तार किया था, ठीक है। चलिए फार्मूले मिटा देते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्त अगर हम बात करें इसमें तो फिर देखो ए प्लस बी वाला आया, इतना टर्म एक है तो इतना बट्टे इतना, फिर इतना बट्टे इतना, तो देखो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, इतना बट्टे जब इतना अल्फा टी टी कर जाएगा तो बचेगा क्या आपको कास अल्फा बचेगा और डी टी, फिर प्लस इंटीग्रल इतना बट्टे इतना करोगे तो आपका साइन अल्फा इंटू कास कास टी बट्टे साइन टी क्या हो जाएगा कॉट टी, क्या हो जाएगा कॉट टी डी टी हो जाएगा। अब देखो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है कास अल्फा, तो कास अल्फा बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा क्या वन डी टी प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाहर हो जाएगा इंटीग्रल हो जाएगा कॉट टी डी टी। अब देखना ध्यान से, अगर हम देखें यहाँ पे डी टी है तो यहाँ पे वन है तो क्या आ जाएगा बट्टी आ जाएगा कास अल्फा प्लस, अब देखो कॉट टी है कॉट टी का क्या हमारा देखो जैसे इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या है लॉग साइन एक्स टू बेसिक, यहाँ क्या हो जाएगा आपका लॉग यानी साइन अल्फा लॉग कितना हो गया दोस्त साइन टी, ठीक और प्लस सी, अब टी का मान रख दीजिए टी बराबर क्या था
देखो टी वाला क्या था, एक्स माइनस अल्फा, यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन टी का मान भी रहते एक्स माइनस अल्फा और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लगाया जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट हम फिर बनाएंगे आपको, ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और किताब के एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।